तो गाइस, तो कैसे हैं आप? मैं इंदौर में था तो बहुत दिनों बाद मैंने प्लान बनाया कि आप लोगों को मैं इंदौर में कुछ अच्छी चीज़ दिखाऊं, मैं आपको घुमाने ले चलूं। तो मैं आज जा रहा हूं रणजीत हनुमान, आज आपको रणजीत बाबा के प्रॉपर दर्शन कराऊंगा और रास्ते में क्या क्या होता है और अब सब कुछ बताऊँगा। हम कहाँ से जाते हैं, कहाँ पर से, मतलब पूरी जर्नी बताऊँगा आपको रणजीत बाबा तक जाने की। और अभी मैं इधर से कोर्ट में से निकलते हुए स्टॉप की तरफ बढ़ रहा हूँ, स्टॉप पे से बस में बैठूंगा, सिटी बस में, और वहाँ से रणजीत हनुमान जाऊंगा और आपको पूरा प्रॉपर मंदिर का दर्शन कराऊंगा। ये हम इंदौर जिला कोर्ट में से होते हुए स्टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखो इधर, ये इंदौर का कोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। यहाँ पे वीडियो तो नहीं बना सकते पर मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ, वो पुलिस वाले अंकल नहीं देख ले उससे पहले हम वीडियो बन कर लेते हैं। सुबह भूख लग रही थी तो हम अभी यहाँ पे बनाना शेक पियेंगे, जूस पीने के लिए रुक गए हैं, जिसके बाद हम स्टॉप की तरफ आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं अभी जूस पी रहा हूँ, बहुत बढ़िया जूस बना के देते हैं अंकल। यहाँ पे दिन भर जिला कोर्ट है, उसके साइड में ये शॉप है, यहाँ पे बहुत बढ़िया जूस मिलता है, हर चीज़ का जूस मिल जाता है यहाँ पे, सब आए पीने, बहुत बढ़िया जूस। ये देखो जूस की दुकान है, बन के रेडी हो चुका, अब हम इसे पी के निकलेंगे मंदिर की तरफ। हमने जूस पी लिया, उसके बाद अभी हम ATM तक जाएंगे। अभी मेरे पास कैश तो है ही नहीं और सिटी बस में जो बस वाले भैया है वो फ़ोन पे चलाते नहीं, तो अभी हम कैश निकालेंगे और उसके बाद स्टॉप पे जाएंगे। स्टॉप पे से बस में बैठकर हम जाएंगे रणजीत हनुमान और आपको दर्शन कराएंगे। और आज दिन है शनिवार का, तो आज शनिवार के दिन बहुत सारे वहाँ पे मतलब भक्तजन जाते हैं, हम भी जाएंगे और आपको प्रॉपर दर्शन कराएंगे। तो फाइनली हमने ATM से अब पैसे निकला लिए, अब हम स्टॉप की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं स्टॉप पे पहुंच गया हूं, यहां कर रहा हूं बस का इंतज़ार, बस आएगी उसमें बैठेंगे और हम निकलेंगे रणजीत हनुमान के लिए। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं ATM में गया, वहां पे मैं पैसे निकला रहे, चार चक्कर तो उसने टू टू करके उसको कैंसिल कर दिया। क्या हो रहा है आजकल HDFC की ATM में? हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही तो आती होगी भाई, अब मैं उसमें कुछ कर तो नहीं सकता। बाकी ठीक है, आती है प्रॉब्लम यार, पैसे निकलाने में प्रॉब्लम यार, इससे अच्छा तो क्या, सारे पैसे जाओ बैंक में, वो भर दो पर्ची और पैसे निकला लो, सही कह रहे हो ना? देखो ये देखो, सामने से हमारी 9 नंबर बस आ गई, इसमें हम बैठ के रणजीत हनुमान जाएंगे। ये आ गई हमारी बस, बस में तो बैठ गए हम, आप जा रहे हैं रणजीत हनुमान के लिए। बस में भीड़ तो नहीं है, जगह है काम। ये देखो मंदिर का व्यू आ रहा है प्रॉपर, मैं मंदिर पहुंच चुका हूँ।
जय श्री राम। मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं पूरे, आपको भी वीडियो में दर्शन कराए। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी, बाकी मैं मंदिर में बोल नहीं पाया क्योंकि मंदिर में ज़्यादा बोलते नहीं। हमने शंकर जी को जल भी चढ़ाया और पूरे दर्शन करके हनुमान चालीसा पढ़ी। आप सब भी रिव्यू दें आपको कैसा लगा मंदिर का दर्शन करके। एक बार रणजीत हनुमान जरूर आएँ क्योंकि यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर आके मतलब बढ़िया हनुमान चालीसा करके ध्यान करने में जो आनंद मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो एक बार सभी रणजीत हनुमान आए इंदौर। जय श्री राम। बहुत ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग है मंदिर के दर्शन करने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो आप सभी भी एक बार आएँ और दर्शन करें और अपनी फीलिंग को शेयर करें हमारे साथ। और मतलब दर्शन करने के लिए आएँ तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें एक बार, और यहाँ पर बैठ कर ध्यान करने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ध्यान भी करें और मतलब बताएं वीडियो में पूरे में देख के कि आपको दर्शन करके कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। जय श्री राम।